गुरुग्राम के सेक्टर 65 स्थित गोल्फ एस्टेट में गोल्फ खेलने पहुंचे कपिल देव ने जहां गोल्फ में दिनों दिन भारत की प्रसिद्धि के बारे में बताया, वहीं उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए चयनित भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनकी शुभकामनाएं टीम के साथ है और वो चाहते हैं कि टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए। आई थिंक टूर्नामेंट ये है कि बच्चों को लाने के लिए उनके पेरेंट्स आएँ, आके अपने आप को एक्सप्रेस करें। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सोसाइटी में अगर ऐसा गोल्फ होगा तो बहुत अच्छा, एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या जाने किस में कितना टैलेंट है, जब तक आप खेलोगे नहीं पता नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ गोल्फ है, और मैं कहूँगा यहाँ पर फुटबॉल भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए, टेनिस भी होना चाहिए, बैडमिंटन भी होना चाहिए, क्योंकि हमें एज ए पेरेंट्स या अपने आप को अगर हम मानते इस जगह हैं तो हमें मौका देना चाहिए यंग बच्चों को हर खेल खेलने का। सर, एक अलग कंसेप्ट है, चारों तरफ प्लेयर्स हैं, बीच में गोल्फ कोर्स है, कितना अलग मानते हैं इस कंसेप्ट को? आई थिंक ये न्यू है। आजकल हमने T20 जब शुरू किया था क्रिकेट, सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा जैसा आज है। कभी आप सोच सकते हो, कोई नहीं मानता था। नेवर नो कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए और लोग सब चाहें कि उनके बच्चे आके ये गेम खेलें। सर, क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं भारत की टीम कितनी इस बार सफल साबित हो गया है? उम्मीद करनी चाहिए, यही कहेंगे शुभकामनाएं हैं हमारी। हम तो यही चाहेंगे कि वर्ल्ड कप जीत के लाएं